हम आजादी के 75वें साल ग्रह की खुशियां मना रहे हैं। इन सालों में कई चीजें बदली और कई बेड़ियों और अंग्रेजी कानूनों से हमने आजादी पाई, लेकिन अब वक्त आ गया है भारत को भ्रष्टाचार से आजाद करने का। भारत में भ्रष्टाचार भले ही वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार ब्रिटिश शासनकाल में ही होने लगा था, जो हमारे देश को विरासत में दे गए थे। अंग्रेजों ने भारत के राजाओं महाराजाओं को भ्रष्ट कर भारत को गुलाम बनाया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, तब उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार को प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजी हुकूमत और ईस्ट इंडिया के व्यापार की कमर टूटने लगी, तब अंग्रेजों को लग गया था कि एक न एक दिन उन्हें भारत को छोड़कर जाना पड़ेगा। तब से ही अपनी कुटिल बुद्धि से अंग्रेजों ने गर्त में डालने के लिए लंबे अरसे से षड्यंत्र पूर्वक भारत में नफरत फैलाना शुरू कर दिया था। भारत को विभाजन की आग में झोंकने की कुटिल योजना पहले से ही अंग्रेजों ने बनाकर रखी थी। इतनी अधिक अराजकता और भ्रष्टाचार भारत में इससे पहले कभी नहीं था। प्राचीन भारत में चाहे वो मुगलों के आक्रमण से पहले हो या फिर अंग्रेजों के आने से पहले, आम तौर पर भारत में भ्रष्टाचार, गरीबी, शोषण कहीं भी कभी भी देखने को नहीं मिलती थी। गरीबी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, नफरत, विभाजन, ये सभी अंग्रेजों की देन है। द केस फॉर इंडिया की माने तो ये किताब अंग्रेजों द्वारा भारत में भारत के प्राचीन संस्कारों, विद्या और चरित्र पर इतिहास के सबसे बड़े आक्रमण का तथ्यात्मक वर्णन करती है। इसमें लिखा है कि भारत केवल एक राष्ट्र ही नहीं था, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और भाषा में विश्व का मात्र संस्थान था। भारत भूमि हमारे दर्शन, संस्कृति और सभ्यता की माँ कही जा सकती है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो श्रेष्ठता में भारत की तरह सर्वोच्च स्थान रखता हो। भारत में वो सब कुछ है जो इसे विश्व गुरु बनाता है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से कमजोर लेकिन आर्थिक दृष्टि से अत्यंत वैभव और ऐश्वर्य संपन्न भारत को पाया। ऐसे देश में अंग्रेजों ने धोखाधड़ी, अनैतिकता, भ्रष्टाचार के माध्यम से राज्य हड़पे, अमानुषिक टैक्स लगाए, करोड़ों को गरीबी और भुखमरी के गर्क में धकेला, भारत की सारी संपदा और वैभव लूटकर ब्रिटेन को मालामाल किया। अंग्रेजों ने समुद्री किनारों के बड़े बंदरगाहों से आकर कोलकाता, मद्रास और मुंबई जैसी जगहों पर हिंदू शासकों से व्यापारिक चौकियां भाड़े पर ली और बिना अनुमति के वहां अपनी तोपें और सेनाएं रखी। 1756 में बंगाल के राजा ने जब अंग्रेजों की ऐसी नीतियों का विरोध किया, तब अंग्रेजों ने दुर्ग फोर्ट विलियम पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के युद्ध में बंगाल को हराकर उस पर कब्जा कर लिया और एक नवाब को दूसरे से लड़ाकर लूट शुरू कर दी। भारत में अंग्रेजी भाषा चलाने और अंग्रेजों के प्रति दास्ता मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने भारत की संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था पर हमला करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीय विद्यालयों को बंद कर दिया। 1911 में जब गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने उनके खिलाफ भी षड्यंत्र कर उन्हें विफल कर दिया। ऐसे कई षड्यंत्र कर अंग्रेजों ने भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। हमारे राजा महाराजाओं के सत्ता लोभ और छोटे छोटे स्वार्थों को बढ़ावा देकर अंग्रेजों ने हमें सालों गुलामी की जंजीरों में बांध के रखा। जो भ्रष्टाचार आज हमारे देश में अपनी जड़ें फैला चुका है, उसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन काल में हुई थी और इसे वे हमारे प्रशासन और नेताओं को विरासत में देकर गए। आजाद भारत में घोटालों की शुरुआत नेहरू युग में सेना के लिए जीप खरीदी के दौरान 1948 से मानी जाती है, जो आज तक चल रही है। अब सही समय आ गया है कि अंग्रेजों की देन भ्रष्टाचार से भी भारत को आजाद किया जाए और राम राज्य की पुनः स्थापना की जाए। जय हिंद, जय भारत।